वेलकम बैक टू माय चैनल यूट्यूब फैमिली, आप सभी का स्वागत है मेरे में कुकिंग होम में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ नेनुआ की सब्जी। आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे घर में सबको बहुत पसंद है। तो मैंने 1 केजी नेनुआ ले लिया है और उसे अच्छी तरीके से बॉस करके इस तरीके से कट कर लिया। 2 बड़े साइज का प्याज कट किया, हरी मिर्च कट किया है और कढ़ाई गर्म होने के लिए मैंने दे दिया है उसमें मैंने सरसों ऑयल यूज किया है। आप लोग भी जो भी कुकिंग ऑयल में यूज करते हैं वो डाल सकते हैं। थोड़ा सा मैंने इसमें सरसों का राई ऐड किया, आप लोग भी जरूर डालिएगा क्योंकि सरसों की राई से अच्छा फ्लेवर आता है खाने का। अब हम इसमें थोड़ा सा हरी मिर्च ऐड कर देंगे। तो ये देखिए हरी मिर्च मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसे थोड़ा सा पकने देंगे हरी मिर्च को, उसके बाद हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। तो थोड़ा सा ये पक चुका है तो हम इसमें प्याज ऐड कर देते हैं। हमें प्याज को अच्छी तरीके से 5 मिनट तक पकाना है ब्राउन होने तक, क्योंकि ये नेनुआ की सब्जी में अच्छी तरीके से नहीं भून पाएगा। आलू की सब्जी नहीं है उसमें अच्छी तरीके से भून जाता है, लेकिन इसमें नहीं भून पाएगा क्योंकि ये नेनुआ की सब्जी जो है पानी छोड़ता है। तो अब हम इसमें नेनुआ को कटा हुआ डाल देंगे। तो मैंने नेनुआ डाल दिया है पूरा। 1 केजी की मैं सब्जी बना रही हूँ, आप लोग देखना कि कितना सब्जी बनके तैयार होता है। अच्छे तरीके से चला लेंगे हम। तब तक आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबाना मत भूलिए ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे ताकि नेनुआ जो है पानी छोड़े, और पानी को हम अच्छी तरीके से सुखा देंगे क्योंकि वो जो पानी होता है उसे हमें फेंकना नहीं होता है, वो उसमें बहुत प्रोटीन होता है। थोड़ा सा मैंने इसमें हल्दी पाउडर ऐड किया है और अच्छी तरीके से चला लिया है। आप लोग जब भी नेनुआ की सब्जी बनाते हो तब प्लीज आप उसे छील के मत बनाओ। जो भी होता है उसमें प्रोटीन सारी जो होती है वो छील के आप लोग निकाल के फेंक देते हो। थोड़ा सा मैंने इसमें मिर्च पाउडर ऐड किया है और 1 चम्मच मैंने लहसुन का पेस्ट ऐड किया है और फिर से अच्छी तरीके से चला लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे क्योंकि पानी जो हमारा सूख चुका है, थोड़ा सा ही हमें ऐड करना है। अब हम इसे अच्छी तरीके से सुखा देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से सूख चुका है। थोड़ा सा मैंने इसमें जीरा और गोलकी पाउडर ऐड किया है, मैंने दोनों साथ में कूटा हुआ था तो मैंने वो डाला है, आप लोग भी डाल दीजिएगा। और फिर से अच्छी तरीके से चला लेंगे। तो मेरी सब्जी बनके तैयार है। आप लोग को मेरी रेसिपी कैसी लगती है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब हम इसे निकाल लेंगे। तो ये देखिए मैंने निकाल लिया है। ये सब्जी 2 लोग ही खा जाएंगे। थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर से धनिया पत्ता ऐड किया है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।